कलिंगापुरम में शिवा नाम का एक आदमी था। उस गांव में वो अकेला रहता था। वो गांव वालों की मदद बिल्कुल नहीं करता था, इसीलिए कोई भी उसकी परवाह नहीं करते थे। ऊपर से शिवा कंजूस भी था। शिवा को एक अमीर आदमी की जिंदगी जीने की इच्छा थी, इसीलिए वो एक एक रुपए बचा के रखता था। सुनो शिवा, गांव में पानी की समस्या है ना, तुम भी मदद करो शिवा। पूरा गांव एक एक रुपए देके पानी की समस्या का परिष्कार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लो, आप सबको समस्या आने से ही ये शिवा याद आएगा ना। बाकी समय में मुंह मोड़ के जाने वाले के लिए मैं क्यों मदद करूं? क्या ये तुम्हारा गांव नहीं है शिवा? नहीं नहीं, मैं पड़ोस गांव का हूँ, तो क्या कहते हो? अरे तुमसे बात करना भी बेकार है। ये सब छोड़ो, तुम मुझे 10 रुपए बाकी हो, कब दोगे? ये लो पैसे, ले लो, तुम तो बहुत कंजूस आदमी हो शिवा। ऐसे कह के सरपंच चला जाता है। सरपंच के दिए 10 रुपए देखकर शिवा बहुत खुश होता है। आहा, ये पैसे देखने से मेरा मन ब्रेक डांस कर रहा है, मेरे घर पैसे आए पैसे। वो पैसे घर में पेटी में रख के उनको देख के शिवा बहुत खुश होता है। इतने में मंदिर में से घंटों की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुनते ही शिवा जल्दी से जाने लगता है। मंदिर के पास जाकर वहाँ दिए प्रसाद लेके खाता है। उसका पेट भरने के बाद आराम करने को सोचता है। आहा, मंदिर में दिए प्रसाद हर रोज खाकर मेरे एक बार का खाना हो रहा है, और रात को मैं किसी के घर खा लूंगा। हर रोज ऐसे पेट भर लेने से वो खुशी ही अलग है, क्या कहें। सुनो शिवा, ये चद्दर ले लो। थोड़ी देर पहले कुछ लोगों ने चद्दर दान किए हैं, एक चद्दर मुझे दे के गए। ये चद्दर मैं क्या करूं, तुम ये ले लो। पुजारी जी, आप चद्दर देने से काफी नहीं होगा, दोपहर का खाना भी देना है। आपको वो मंजूर है तो मैं ये चद्दर लूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो, खाना मैं कैसे दे सकता हूँ शिवा? भगवान को बहुत प्रसाद चढ़ाते हैं ना, हर रोज वो प्रसाद खाते ही आपका पेट बढ़ाना। बस करो शिवा, ज्यादा मत बोलो, ये लो प्रसाद, इसे खा के पेट भर लो, और ये चद्दर भी ले लो शिवा। ऐसे कह के पुजारी प्रसाद दे के चद्दर उसके ऊपर फेंक के वहाँ से चला जाता है। कंजूस शिवा चद्दर लेके मजाक की हंसी हंसता है। पुजारी शपथ लगाया पर जेब भर के गया, इस चद्दर को किसी न किसी को बेच के पैसे लेना है, इस समय मेरे हाथों में कौन बकरा बनेगा। इतने में उस रास्ते से सरपंच जाने लगता है। शिवा को देखकर सरपंच और जल्दी से जाने लगता है। शिवा सरपंच के पीछे आने लगा। मेरे पीछे क्यों आ रहे हो शिवा? अरे आप क्यों चोरों की तरह भाग रहे हो, आपको क्या हुआ? मैं तो तेरा मुंह भी देखना नहीं चाहता शिवा। ठीक है सरपंची, लेकिन आपसे कुछ कहना था। आप पंकजम के घर से क्यों आ रहे हो? उसका पति टाउन को चला गया ना, आपको वहाँ क्या काम है? अरे हो पागल, मेरे पीछे मत पड़ो, तुम्हें क्या चाहिए रे? और कुछ नहीं सरपंच साहब, मेरे पास एक प्रसाद का पैकेट और एक चद्दर है, उन्हें आप लेके मुझे पैसे दीजिए। मुझे कोई जरूरत नहीं है। अरे आप तो पंकजम के घर गए और ये विषय मुझे क्यों साहब? मैं तो बस गांव वालों को बता दूंगा, उसके बाद आपकी मर्जी। अरे अरे शिवा, मुझे बर्बाद मत करो, ये लो पैसे और वो प्रसाद और चद्दर मेरे मुंह पर मारो, अब जाओ यहाँ से, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। ऐसे सरपंच कह के पैसे दे के शिवा को भेज देता है। शिवा पैसे लेके घर आकर पेटी निकाल के उसमें पैसे रख लेता है। वो पैसे देख के बहुत खुश होकर खुशी से शिवा झूम उठकर उछलने लगता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है। इस तरह थोड़े दिन बीत जाते हैं। एक बार गांव में सूखे की अवधि आती है। गांव वाले सूखे की अवधि से तड़पने लगते हैं। बहुत सारे लोगों को खाने के लिए खाना तक नहीं रहता। तब सरपंच एक समावेश रखता है, वहाँ शिवा भी आता है। देखिए, हमारे गांव में सूखे की अवधि है, इस समय हमें एकता से रहना है। मतलब हम एक ही घर में रहेंगे? शिवा,
थोड़ी देर चुप बैठो, हमारे गांव में बहुत सारे लोगों को खाना तक नहीं है, इसीलिए सब अपने अपने घरों में से सामान लाकर मुझे दो, उन सबको मिला के गरीब लोगों में बांटेंगे, इससे सबकी भलाई होगी, आप सहायता के रूप में पैसे भी दे सकते हो। ऐसे सरपंच कहने पर शिवा को बहुत गुस्सा आता है, वो तुरंत वहाँ से निकल कर घर आता है। इतने में घर में से एक चूहा बाहर आती रहती है, वो चूहा शिवा के पेटे में से आती है। तुरंत शिवा उसके पेटी को खोलकर पैसे देखता है। चूहा पेटी में रहे कुछ पैसों के बंडलों को काट देती है। उन्हें देख के शिवा बहुत चिल्लाने लगता है, वो रोना शुरू करता है। इतने में सरपंच शिवा के पास आता है। देखे ना शिवा, तुम कंजूसी करके छुपाए पैसों को चूहा काट दी, अभी वो नोट्स किसी काम के नहीं है। अभी तो समझो शिवा, हम मर जाने के बाद ये पैसे किस काम के, हमें भूख लगने से क्या ये पैसे हम खा सकते हैं? हमारी जिंदगी में किसी न किसी की मदद करना जरूरी है, वही है सबसे कीमती चीज। तुम्हारे अपने कोई भी नहीं है शिवा, इस गांव को तुम अपना समझकर यहां के लोगों को अपनों की तरह देखो शिवा। आप सच बोले साहब, इतने दिन मैंने बहुत सारी गलतियां किया, अब मैं नहीं करूंगा। सरपंच की बातें सुनके शिवा का दिल बदलता है, वो कंजूसी छोड़ देता है, उसके पेटी में रहे पैसे गांव वालों की मदद करने देता है, उसके बाद उसके गांव वालों को परेशानियों से बचाता है। बूढ़ी औरत बनी परी। काशीपुरम में शांतम्मा नाम की एक बूढ़ी औरत थी, उसको चांदनी नाम की एक पोती है। दोनों छोटे मोटे काम करके जीने लगे। वो गरीब होने पर भी शांतम्मा को बहुत आशाएं हैं। उसके मरने से पहले उसकी पोती चांदनी के लिए हर चीज रख कर जाना चाहती है। एक दिन चांदनी ने, अरे हो बूढ़ी, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो, मुझे भी साथ ले चलो। मेरे साथ मत आ, मैं नाचने नहीं जा रही, घर के लिए लकड़ियाँ मार के लाने को जा रही हूँ। इतनी बूढ़ी हो गई, पर अंदर की चालाकी ऐसी ही है रे दादी, तू बहुत स्ट्रांग है ना? हाँ हाँ, स्ट्रांग हूँ, इसीलिए जिंदा हूँ, वरना तेरे दादा के हाथों में कब की मर जाती। उसके बाद शांतम्मा जंगल को जाकर लकड़ियाँ मार के घर ले आती है। आते समय उसकी पोती चांदनी के लिए आम लाती है। चांदनी, मैं तेरे लिए आम लाई रे, ये लो। आहा, बहुत अच्छे, इसीलिए तो मुझे बहुत पसंद है दादी, लेकिन ये आम कहाँ से लाई? जंगल में बहुत सारे हैं, वहाँ रहे पेड़ फल पक्षी, उन्हें देखने से मेरा मन भर आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है रे। तो तू वहीं रह जाती ना, मुझे तेरा सर दर्द नहीं रहती। मजाक की, तो हर समय ऐसे ही कहती हो, तू भी मेरे साथ आने से पता चलता, तुझे बहुत शांति मिलेगी। तो अगले जन्म में तू उस जंगल में पक्षी या जानवर के जैसे पैदा होना दादी, तब आराम से वहीं रह सकती हो ना। इस तरह बहुत देर तक दोनों खुशी से बातें करते हैं। उसके अगले दिन भी शांतम्मा जंगल को जाने लगी, तब चांदनी भी शांतम्मा के साथ जाने लगी। दोनों मिलके जंगल को जाते हैं, वहाँ रही सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। दादी, ये जंगल तो बहुत ही सुंदर है, हम यही घर बना कर रहेंगे ना दादी? तब जंगली जानवर आकर हमें खा के पेट भर लेंगे रे, वो पक्षी देखो बहुत सुंदर है ना, हम भी पक्षियों के जैसे रहने से बहुत अच्छा था, आराम से उड़ सकते हैं। क्यों दादी ऐसे सोचती हो, रहस्यों में खुशी से रह सकती हो ना, इस उम्र में भी तुझे ये कैसी इच्छाएं हैं दादी? बस कर रे, पहले काम कर, मैं लकड़ियां मारूंगी, तो जाके उस पेड़ को रहे आम तोड़ के लाना। ऐसे कहने पर चांदनी आम तोड़ने जाती है। शांतम्मा वहाँ रहे लकड़ियां मारने लगी, तब वहाँ शांतम्मा को एक आकृति दिखाई देती है, एक परी उसके सामने प्रकट होती है, उस परी को पंख रहते हैं। परी को देखकर शांतम्मा को डर लगता है, तब वो भागकर चांदनी के पास जाने लगी। चांदनी, हमें जाना है, जल्दी चलो चांदनी, जल्दी चलो। क्या हुआ दादी, अभी क्या हुआ?
वो सब मैं बाद में बताऊंगी, पहले घर चलो। ऐसे शांतम्मा कह के चांदनी को घर ले जाती है। परी उनके पीछे आती है। घर जाने के बाद शांतम्मा पानी पीकर पूरा विषय बताती है। मैं एक परी को देखी, उस परी को पंख हैं, मुझे बहुत डर लगा रे, इसीलिए मैं तुझे घर ले आई। दादी तू कोई सपना देखी क्या? परी तुझे क्यों दिखाई देगी? वो दोनों ऐसे बातें करते समय वहाँ परी आती है। परी को देखकर शांतम्मा और चांदनी डर जाते हैं। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। आप हमारे पास क्यों आए? आपको क्या चाहिए? मैं हर रोज तुम्हारी दादी को जंगल में देखती हूँ। वो हर रोज उसकी परेशानी जंगल को बताती है। मैं उसी के लिए आई हूँ। पूछो शांतम्मा, तुझे क्या चाहिए? मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। पूछो ना। दादी मांगो ना, परी आके पूछ रही है, जल्दी से पूछो ना दादी। मैं परियों के जैसे आसमान में उड़ना चाहती हूँ, तेरे जैसे मुझे भी पंख चाहिए। परी क्या तेरे पंख मुझे दोगी? ठीक है, आज ही मैं अपने पंख तुझे देती हूँ, ये लो। ऐसे परी वरदान देने पर शांतम्मा को पंख आते हैं। उन पंखों को देखकर शांतम्मा बहुत खुश होती है, उसकी खुशी आसमान को छूती है। पंख आने पर शांतम्मा उड़ना चाहे, उस पंखों से उड़ने की कोशिश करने लगी। वो दिन पूरा आराम से उड़कर खुशी से बिताती है। बहुत देर बाद थक के घर पहुंचती है। क्या दादी, आज तेरा सपना पूरा हुआ ना? बहुत थक गई क्या? चांदनी, ये पंख रहने से लगता है दुनिया जीत लिए, लेकिन मैं गर्मी को सह नहीं पाई, थोड़ा खा के आराम करूंगी। उसके बाद चांदनी और शांतम्मा खाना खाते हैं। उस दिन रात को शांतम्मा को ठीक से नींद नहीं आती। खाना खाने के बाद भी उसे भूख लग रही थी, पंखों के वजह से ठीक से वो सो नहीं पाती। सुबह नींद से उठने के बाद शांतम्मा की नींद पूरी न होने के कारण उसकी आंखें लाल लाल हो जाते हैं। तब चांदनी ने, ये क्या दादी, तेरी आंखें इतने लाल हैं? कहीं तो भूत बन गई क्या? अपने आप को देखकर मुझे भी डर लग रहा है रे। परी में बदलने के बाद तुझ में बहुत बदलाव आया दादी, तेरा सपना पूरा हुआ, अब तू खुश हो ना? चांदनी की बातें सुनके शांतम्मा उदास हो जाती है। पंख आने से बहुत अच्छा है, पर इसके वजह से परेशानियां भी है चांदनी। मैं पहले ही बोली ना दादी, हमें रहस्यों में खुश रहना है, जिंदगी में हर पल खुशी से बिताना है। लालच और इच्छाएं रहने से हम ही नहीं, हर कोई खुश नहीं रह सकते। वो विषय मैं अब समझी चांदनी, मुझे ये पंख नहीं चाहिए, परी को प्रार्थना करूंगी। उसके बाद शांतम्मा परी को याद करते ही वो प्रत्यक्ष होती है। शांतम्मा मुझे सब पता है, मैं तेरे दिल की बात सुनी, जैसी तेरी मर्जी शांतम्मा। ऐसे परी कह के शांतम्मा के पंखों के साथ साथ परी भी गायब हो जाती है। उसके बाद शांतम्मा और चांदनी रहस्यों में खुशी से जीकर जिंदगी बिताने लगे।